अपन लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूटी की, सांतत्य की, जिसमें मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी बता दी थी। और अपन आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं अपन कंटिन्यूटी से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन आपके पास ए की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 एक्स इक्वल्स टू 0, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 0 पर सांतत्य की जांच करनी है। किस पॉइंट पर जांच करनी है फ्रेंड्स? एक्स इक्वल्स टू 0 पर अपन को क्या करना है? सांतत्य की जांच। क्या करना है? कंटिन्यूटी की चेक करनी है, डिस्कस करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। तो अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले अपने पास में मेथड मैंने आपको बताया, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है? सबसे पहले जो भी पॉइंट गिवन है उस पे फंक्शन की वैल्यू, तो नंबर 1 पॉइंट क्या आपके पास? 0। तो एक्स इक्वल्स टू 0 पर फलन का मान, मतलब वैल्यू ऑफ एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू देखो आप, एफ एक्स इक्वल्स टू 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 ही आ रही है, एट इक्वल्स टू 0। सेकेंड आरएचएल, राइट हैंड लिमिट, आरएचएल का मान सुनते दिमाग में आना चाहिए कि जो भी पॉइंट गिवन होगा उससे बड़ा या 0 प्लस एच, राइट? अभी आरएचएल का मतलब राइट, राइट कब जाएंगे? जो भी पॉइंट गिवन होगा उससे ग्रेटर होगा। अब 0 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के दो मीनिंग होंगे। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होगा एक्स से ग्रेटर भी हो सकता है, एक्स से लेस देन भी हो सकता है। तो फाइनली ग्रेटर और लेस देन दोनों भी ये वाला फंक्शन यूज करेंगे अपन। जब भी अपन आरएसएल की बात करेंगे लिमिट एस टेंड्स टू 0 यूज कर लेते हैं। तो यहां पे जहां जहां एक्स है वहां पे आ गया 1 अपॉन एच, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू है अपने पास में 0 प्लस एच, तो ये हो गया 1 अपॉन एच माइनस 1 ए की पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। अब अपन चेक कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे, जहां एच है वहां 0 पुट किया, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो गया, ए की पावर इंफिनिटी माइनस 1 ए की पावर इंफिनिटी प्लस 1, ए की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी प्लस 1, तो फाइनली इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रही है। अब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रही है तो अपन क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ए की पावर प्रॉब्लम कौन दे रहा है? ए की पावर 1 अपॉन एच प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो ए की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लिया अपन। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 और आगे ए की पावर माइनस 1 अपॉन एच हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ई की पावर 1 अपॉन एच से डिवाइड करेंगे तो ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच आ गया। इधर से ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 हो गया, आगे प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच। अब जहाँ एच है वहाँ 0 पुट करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एच की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, पार्ट ऑफ थ्री भी मैंने आपको बताया, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया फाइनली 1 अपॉन 1 मतलब 1। तो अपन देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है और आरएचएल पर 1 है, इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन कैसा हो गया अपना? डिसकंटीन्यूअस है। डिसकंटीन्यूअस मतलब ऐसे सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी का डिस्कस करना है अपन को एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब अपन को एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बेसिक वही तीन स्टेप्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टेप फर्स्ट, किस पॉइंट पे चेक करना है? 0 पे, 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 0। सेकंड स्टेप, सेकंड में अपन आरएचएल एलएचएल जो भी आपकी इच्छा हो निकाल लो, नाम सुनते ही 0 से ग्रेटर आना चाहिए और 0 प्लस एच भी लिख सकते हैं। अब आपको देखना है 0 से ग्रेटर कौन सा फंक्शन है, तो एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से लेस देन भी हो सकता है। तो जहां एक्स है वहां पे 0 प्लस एच में, तो एच पुट किया, ये हो गया साइन 1 अपॉन एच। अब अपने एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए ये तो हो गया 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 0 मतलब साइन इंफिनिटी। अब यहां पे वही बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, तो साइन इंफिनिटी की वैल्यू जो होती है
बता रखा है मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या होती है माइनस वन टू वन, लेकिन जिस स्टूडेंट को नहीं पता हो अगर गलती से इन्फिनिटी कर दिया जाता तो जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो बहुत खतरनाक हो जाएगा आपका। तो सिंपल सा जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन टू वन, और माइनस वन टू वन मतलब कुछ भी हो वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है, इसका मतलब फाइनाइट है मतलब रियल है, और किसी भी नंबर को फाइनाइट नंबर से मतलब परिमित से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया। स्टेप थर्ड के अंदर अगर अपन बात करें LHL की, LHL का मतलब हो गया जीरो से लेस देन और जीरो माइनस एच और लिमिट एस एंड्स टू जीरो, तो जहां एक्स है वहां पे माइनस एच प्रूव किया, माइनस एच साइन माइनस वन अपॉन एच, यहां से माइनस यहां का माइनस प्लस हो गया और सेम स्टोरी हो गई जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन टू वन, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी जीरो आ रही है, तो सब जगह साउंड सेम आ रहा है। तो फाइनली अपन कहेंगे कि गिवन पॉइंट एच जीरो पे, RHL पे और LHL पे तीनों की जो वैल्यू है वो जीरो है जो कि फाइनाइट भी है, और इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन कैसा हो गया कंटिन्यूस हो गया सतत हो गया, राइट है भाई। तीनों वैल्यू अगर एक जैसी आती हो तो फंक्शन कैसा हो गया कंटिन्यूस हो गया, क्लिक कर गया यहाँ पे। दूसरी बात इसमें एक काम की बात है, अगर कल को सोचो ये एक्स नहीं होता, क्या डिस्कस कर रहे अपन, ये एक्स नहीं होता और आपसे कोई कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोलता तो आप क्या करते, जीरो पे वैल्यू आ रही है आपकी जीरो, RHL पे एच नहीं होता तो यहाँ पे वैल्यू आती है आपकी माइनस वन टू वन और यहाँ पे भी वैल्यू आती है आपकी माइनस वन टू वन, तो देखिए इसकी वैल्यू जीरो है इसकी माइनस वन टू वन है तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और उम्मीद है आपने से सब उसका आंसर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन क्या था वो मैं अभी बता रहा हूं आपको, एनडीए के अंदर क्वेश्चन है, एनडीए एक्स ग्रुप के अंदर टेक्निकल कॉस्ट के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है और फाइनली अपन साइंस सब्जेक्ट इसीलिए लेते हैं ताकि अपन इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। क्वेश्चन था एक्स की पावर के साइन वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो वो पूछ क्या रहा था तुमसे कि के की किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ एक्स कैसा है कंटिन्यूस है सतत है, मतलब के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा है अपना कंटिन्यूस है, और ऑप्शन है के इक्वल्स टू जीरो, ऑप्शन बी के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ऑप्शन सी के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अभी कौन सा आंसर राइट होगा क्या सोच रहे हो आप, तो देखो आप जो समझदार बच्चा उसको बता, अभी अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था इसका मतलब एक्स का जिंदा होना जरूरी है, अगर एक्स जिंदा रहेगा तो ही तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा, क्योंकि अगर एक्स मर गया तो इसकी वैल्यू माइनस वन टू वन आर एच एल पे और जीरो पे जीरो आ रही है तो वैसे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, इसका मतलब ये जो x है इसकी वजह से तो जीरो मल्टीपल माइनस वन टू वन जीरो मिल रहा था, इसका मतलब x का जिंदा रहने के लिए k जीरो अगर होता है तो x जिंदा रहेगा क्या, किसी की भी पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो मतलब x की पावर जीरो क्या हो गई वन, वन होने का मतलब साइन वन अपॉन x दिख गया मतलब बेचारा x मर गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता, और अगर जब ये आंसर नहीं हो सकता तो क्या ये आंसर हो सकता है क्योंकि k इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पे भी k इक्वल्स टू जीरो है तो ये भी नहीं हो सकता सर, इसका मतलब एक्स जिंदा कब रहेगा जब के की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी, के की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी रख दो तो जिस दिन यहाँ पे के की वैल्यू टू आ गई वन आ गई इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा आपका कंटिन्यूस होगा, तो राइट आंसर कौन सा हो गया सी। तो अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिशन में आगे आता है काम का क्वेश्चन है के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूस होगा तो के ग्रेटर देन जीरो पे होगा, साइन वन अपॉन एक्स की जगह अगर कल को कॉस वन अपॉन एक्स आता है तो भी सेम कहानी है सेम स्टोरी है। तो यहां तक की बातें हो गई अपनी, तो ध्यान रखिएगा के अगर कल को जीरो से ग्रेटर है तो फंक्शन कैसा हो गया कंटिन्यूस हो गया। हाँ भाई नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन,
महत्तम पूर्णांक फलन का अगर मैंने भाई ग्राफ दिखाया था आपको कि ग्राफ इसका इस तरह से ब्रेक होता है और यहीं से देख लो आप कि ये फंक्शन कैसा होगा अपना असतत डिसकंटीन्यूअस होगा। कैसा होगा भाई? डिसकंटीन्यूअस होगा। तो जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है प्रत्येक पूर्णांक पर फंक्शन कैसा होता है? असतत। तो आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, काम की बात है, कई बार काम में आती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दुनिया का किसी भी पूर्णांक को उसके ऊपर क्या होता है? डिसकंटीन्यूअस होता है। चेक करते हैं, जैसे आपने कोई क्वेश्चन लिया fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन सबको आनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा दिखता है fx इक्वल्स टू, इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। खास बात क्या होती है, अगर कल को x इंटीजर है पूर्णांक है तो आंसर भी इंटीजर ही निकालता है। जैसे यहाँ पे 5 है तो आंसर भी 5 ही होगा। लेकिन अगर कल को ये इंटीजर नहीं है जैसे 5.9 है तो ये जस्ट उससे पहले वाले इंटीजर को ग्रहण करता है। तो इससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है वो कौन है? 5। तो आंसर क्या होगा? 5। ऐसा नहीं कि 5.96 के पास में तो 6 आंसर आ गया, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर को। तो कल को कितने बच्चे समझ गए कि कल को अगर 3/3.2 है तो आंसर 3, और कल को -3/2 है तो -3/2। -3/2 मतलब यहाँ पे -3/2, तो इससे जस्ट पहले वाला कौन सा होगा? -3 से पहले वाला -4। तो आंसर क्या होगा? -4। बस अगर ये बेसिक आ गया तो काम की बात आपके समझ में आ जाएगी। तो पहले ही अपने डेफिनेशन पे डिफाइंड होता है, फिर इसके बाद में इसमें लिमिट यूज होती है। और अगर आपके दिमाग में पहले से पिक्चर है कि ये कैसा फंक्शन होता है डिसकंटीन्यूअस, तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके x = 10 पर कंटिन्यूटी की जांच कर रहे हैं, राइट? अभी x = 10 पर सांतत्य की जांच कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि जहां x है वहां पे 10 पुट करना है, तो ये हो गया 10 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ये आ गया 10। सेकंड आरएचएल, आरएचएल का नाम सुनते बच्चे के दिमाग में रहना चाहिए 10 प्लस और 10 प्लस h, तो ये हो गया अपने पास 10 प्लस h। लिमिट यूज करेंगे, जब भी आरएचएल यूज करेंगे लिमिट एसेंस टू 0 10 प्लस h। अब अपन क्या करेंगे, h की जगह 0 पुट कर देते हैं, यहां भी 10 आ जाता है। तीसरा LHL, LHL का मतलब 10 से लेस देन और 10 माइनस h, राइट है? तो ये हो गया अपने पास लिमिट एसेंस टू 0 और ये फंक्शन बन गया अपने पास 10 माइनस h, h की जगह 0 पुट कर दिया 10 आ गया। तो सबसे सरप्राइज और इंटरेस्टिंग बात यही है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो तीनों जगह 10 का साउंड आता है, बच्चों चिल्लाने लग जाता है कि ये तो कैसा हो गया? कंटीन्यूअस हो गया। जबकि मैंने ऊपर बताया कि ये फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटीन्यूअस होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक करते, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जिस बच्चे को नॉलेज है वही सही, उसी का सही होगा। कैसे होगा? सबसे पहले ये डिफाइंड होगा, यहाँ प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, यहाँ कर दी 10 प्लस h का मतलब बोलू, 10 प्लस h का मतलब है सर 10 से तो बड़ा है और 11 से छोटा है। सोच के देखो, क्योंकि h की वैल्यू लगभग आप 0.1 ले लो, ज्यादा ज्यादा अगर तकलीफ हो तो। अगर 10 में 0.1 ऐड करूंगा 10.1, तो सोच के देखो 10.1 10 से तो ग्रेटर है और 11 से लेस देना। तो स्टोरी क्या होगी, बाई डेफिनेशन किसको ग्रहण करने वाला है? 10 को। तो सर 10 ही तो आ रहा है, बट यहाँ तो आ रहा है बट वहां नहीं आएगा, क्योंकि सोचो 10 माइनस h कैसा है? 10 से तो छोटा है, 10 से तो लेस देन है और 9 से ग्रेटर है। इसका मतलब यहाँ पे 10 की जगह क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। तो फाइनली अपन ये देख रहे हैं कि फंक्शन पे 10 की वैल्यू 10 है, आरएचएल पे भी 10 है, बट एलएचएल पर वैल्यू 9 है, और तीनों में से अगर एक भी इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा। कैसा होगा? असतत होगा। तो दुनिया में कोई सा भी इंटीजर आ जाए फंक्शन कैसा आएगा आपका? असतत आएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले ही अपनी डेफिनेशन को फॉलो करता है, उसके बाद के अंदर इसमें लिमिट यूज होगी। तो लिमिट का मौका ही नहीं मिलता। 10 प्लस h मतलब 10 से बड़ा, 11 से छोटा, 10 आ गया। 10 माइनस h मतलब 10 से लेस देन। तो ये कंडीशन अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो तो पेपर एग्जामिनर आपको समझ जाता है कि बच्चे को नॉलेज है और सही मार्क्स दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्टली आप h की जगह 0.0 पुट करके आ गए तो कहानी खत्म हो सकती है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ एनडीए के अंदर कि fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेबी, मॉडल वे यूज कर रहे हैं मेबी, संभावना है थोड़ी बहुत, मेबी कंटिन्यूस कि fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सतत हो सकता है बेचारा। अब आपके पास में ऑप्शन है -1, 0,
प्लस वन वन अपॉन टू। सोचो और देखो बताओ क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी कंटिन्यूस, मतलब ये पॉसिबिलिटी चल रही है, रेयर पॉसिबिलिटी की कंटिन्यूस हो सकता है। आप जिसको पता है उसको पता है कि दुनिया का प्रत्येक इंटीजर जो होता है, कोई भी इंटीजर ले लो उस पर फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। इसका मतलब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पे रेयर पॉसिबिलिटी है कि मे बी फंक्शन कैसा हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, फिर आगे चलते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू ले लिया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और अब की बार किसी भी पर्टिकुलर टाइम की जगह कोई भी पॉइंट है आपका, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जितने भी ये फॉर ऑल जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, उस पर कैसा है ऐसा तथा ये शो करना है आपको कैसा है उस पर डिसकंटिन्यूस। अब आपको जब भी पॉइंट गिवन नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप उसका डोमेन सोच सकते हो। अपन ने ले लिया सी बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, सी बिलोंग्स टू जेड, मतलब अपन सी वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन दुनिया का कोई सा भी इंटीजर आ रहा है। चेक करते हैं सी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास सी, और सी अगर इंटीजर है तो सी आंसर आया। सेकेंड आरएचएल, आरएचएल का मतलब सी प्लस हो गया, सी प्लस का मतलब सी प्लस एच हो गया, तो यहाँ पे अपन सी प्लस एच यूज कर रहे हैं। अब सी प्लस एच जो है ना, बच्चे के दिमाग में आना चाहिए भैया सी प्लस एच इंटीजर नहीं है, क्योंकि उसमें एच नाम की क्वांटिटी आपने ऐड कर दी, और एच कौन है, जीरो से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, एच की वैल्यू लगभग आप सोच सकते हो 0.1, ये तो बहुत ज्यादा सोच रहे, बहुत पड़ोसी है, मतलब एच मूव कर रहा है 0.0। तो सी प्लस एच का मतलब सुनते हैं बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कि सी से तो ग्रेटर है और सी प्लस वन से लेस देन है। सोच के देखो ये 10 का पिछले बार, ये 10 प्लस एच था, 10 प्लस वन 11 हो गया, सही जा रहे हैं। तो बाई डेफिनेशन किसको ऑब्जर्व करने वाला है, सी को। तो देखो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आती है, बट जो एल एच एल है ना वो दिक्कत दे देता है, एल एच एल सी माइनस, और आप लिमिट यूज करते हो ये होता है सी माइनस एच, और सोचो आप एच की जगह जीरो थोड़ी ना पुट करेंगे, अपन क्या करेंगे सी माइनस एच का मतलब सी से तो लेस देना सर, और सी माइनस वन से ग्रेटर है। सोच के देखो ये 10 है, ये 10 से छोटा है, और ये 10 माइनस वन 9, पिछला क्वेश्चन। तो जनरल फॉर्म में आप इस तरह से कंडीशन लिख के आते हो तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो आंसर क्या हो गया, सी माइनस वन, वही वाली बात है, पिछला आंसर था 10 10 9, तो सोच के देख लो 5 5 4, उससे एक कम, तो सी से एक कम हो गया सी माइनस वन। तो जितने भी इंटीजर्स हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो जितना भी कोई सा भी इंटीजर ले लो उस पर फंक्शन क्या होगा, अपना डिसकंटिन्यूस हो गया। क्लिक कर गया ये, तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी चीज है, नॉलेज होनी चाहिए आपको। अपन अब लेके आ रहे हैं कंटिन्यूटी का टाइप सेकेंड, इसी के अंदर टाइप सेकेंड जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या गिवन होगा कि एफ एक्स नाम का जो क्वेश्चन आपका वो कैसा है, कंटिन्यूस है, मतलब सतत है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये जब क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप कंटिन्यूस की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करोगे कि जो भी पॉइंट गिवन है उस पर फंक्शन की वैल्यू, आरएचएल की वैल्यू और एलएचएल की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हुई तो इसके कंपेयर में वो आपसे कोई भी अननोन नंबर पूछेगा, जैसे वेरिएबल पूछेगा के बताओ, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, इससे रिलेटेड अगर अपन क्वेश्चन करें तो जैसे क्वेश्चन अपने पास एफ एक्स इक्वल्स टू है साइन फाइव एक्स अपॉन टू एक्स, और यहाँ पे है एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे के एक्स इक्वल्स टू जीरो, राइट है। क्वेश्चन में गिवन है कि कंटिन्यूस है एक फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन कैसा है, सतत है, तो के की वैल्यू बताओ। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि सतत है, और सतत है तो आपसे क्या पूछ रहा है, के पूछ रहा है। अब आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जानी चाहिए कि भैया अगर ये कंटिन्यूस है तो ये तीनों चीज आपस में इक्वल होगी,
और तीनों में से जो भी आपको लगे कि जहां से मैं k निकाल सकता हूं वहां से आप कंपेयर कर लें। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि जो भी पॉइंट गिवन होता है उस पे फंक्शन की वैल्यू, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब आपकी चॉइस है आप आरएचएल निकालो एलएचएल निकालो। तो आरएचएल निकाल रहा हूं, आरएचएल का मतलब जो भी पॉइंट गिवन है उससे बड़ा, तो मेथड वही है जीरो प्लस एच। अब आपको क्या करना है इस फंक्शन के अंदर अप्लाई करना है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया साइन फाइव एच क्योंकि एक्स की जगह एच पुट कर रहा हूं, और ये हो गया टू एच, लिमिट यूज करूंगा मैं। तो जहां जीरो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो फॉर्म जीरो फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म आ रही है जीरो फॉर्म जीरो। अब कुछ बेसिक बातें जो अपन जानते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है वन, अगर ये दोनों बड़ों से एक जैसे हैं तो वन होता है, मतलब ये दोनों एक जैसी शक्लें जैसी होती है तो वन होता है, लिमिट भी होनी चाहिए साथ में। तो यहाँ भी ये वन होता है, अगर ये यहाँ पे वन होता है तो ऐसा वन बनाने के लिए यहाँ पे एच का कोफिशिएंट फाइव है तो मुझे फाइव चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फाइव लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया फाइव। तो सर आपने अपनी मर्जी से फाइव लिख दिया, हाँ उसको बैलेंस भी कर दिया, ऐसा होता है चलता है। तो ऐसा करने से इसकी वैल्यू क्या हो गई वन हो गई। तो फाइनली अपने पास में कौन आ रहा है 5.2, आरएचएल की वैल्यू क्या आ रही है 5.2, और फंक्शन जो है वो x equals to 0 पे कंटीन्यूअस है, x equals to 0 पे फंक्शन कैसा है कंटीन्यूअस है, कैसे पता चला दे रखा सदा था। तो सदा था तो ये सब चीजें इक्वल होगी, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे बिल्कुल 0 पे, और आरएचएल की वैल्यू इक्वल होगी, और f0 की वैल्यू कितनी है k और आरएचएल कितना है 5.2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 5.2। तो सर एलएचएल की जरूरत भी नहीं पड़ी, हाँ एलएचएल से भी निकालते तो भी आंसर ही आता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दोनों यूज करने होंगे, तो ये टाइप सेकंड टाइप के क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस कॉस के एक्स एक्स साइन एक्स एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो वन अपॉन टू एक्स इक्वल्स टू जीरो, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद ही कह रहा है कि कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू जीरो पे सदा था तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्व कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट है, अगर जीरो पे सदा है कंटिन्यूअस है इसका मतलब f जीरो की वैल्यू आरएचएल की वैल्यू एलएचएल की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्लियर लिखा हुआ है कि जीरो पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1/2 है, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू 1/2 है। स्टेप सेकंड करते हैं, अब आपकी चॉइस आरएचएल निकालो एलएचएल निकालो, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो ये फंक्शन आरएचएल होगा ये एलएचएल होगा, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो क्योंकि जो भी पॉइंट गिवन है उससे बड़ा होगा तो जीरो प्लस एच, लिमिट यूज करेंगे अपन लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, जहां एक्स है वहां पे एच पुट करेंगे तो जाएगा वन माइनस कॉस के एच और एच साइन एच। अब आप h की जगह जीरो पुट करोगे तो cos जीरो की वैल्यू वन वन माइनस वन जीरो और नीचे भी जीरो, जीरो फॉर्म जीरो फॉर्म आ जाएगी, दुखदायी फॉर्म है। अब अपन क्या करेंगे इससे बचाव करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सारे हथियार है अपने पास। सबसे पहले सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है वन माइनस cos थीटा, वन माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, होता है क्या, बिल्कुल होता है सर, ये यूज कर लेंगे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस थीटा हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का मतलब हो गया के एच अपॉन टू, वन माइनस कॉस थीटा क्या हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और डिवाइड में क्या चल रहा है डिवाइड में चल रहा है एच साइन एच, ठीक है। अब अपने पास में वही अभी अपन ने देखा था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जब भी साइन दिख जाएगी दिमाग में आप सोच सकते हो साइन एक्स और एक्स वन होते हैं जब ये दोनों एक जैसे होते हैं, तो यहाँ तो के एच अपॉन टू है, तो देखो मैं इधर दिखा रहा हूँ लिमिट एस टेंड्स टू जीरो टू, क्या मैं स्क्वायर का मतलब बचपन से जानता हूँ उसको दो बार लिख सकता हूँ के एच अपॉन टू और साइन के एच अपॉन टू, ऐसे दो बार लिख सकते हैं ना भी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पे चल रहा है अपने बेचारा एच और साइन एच, अब मुझे देखो यहाँ पे के एच अपॉन टू है तो यहाँ पे के एच अपॉन टू लिख दूंगा, लिख दो, अगर मैंने यहाँ के एच अपॉन टू लिखा तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ भी के एच अपॉन टू लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ भी के एच अपॉन टू लिख दिया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी के एच अपॉन टू लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यू तो क्या हो गई वन, क्योंकि साइन के एच अपॉन टू के एच अपॉन टू वन हो गया, ये भी वन हो गया, बैलेंस भी कर दिया। अब यहाँ पे देखो अपने पास में क्या क्या रही है, बेचारा टू से टू कैंसिल हो गया,
है ना, एक ऐसे नीचे वाला एच कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास में ये रह गया लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे अगर मैं ढंग से देख रहा हूँ तो मेरे पास में एक तो ये रह गया, एक का तो वैसे भी रहना जरूरी है, एक एच रह गया, फिर एक ये रह गया, और फिर अपॉन में कौन है टू, और साथ में कौन है साइन एच, अपॉन में साइन एच ये रह गया। और इसमें भी अपन ये भी जानते हैं कि एच और साइन एच भी वन होता है, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता था। अगर ये x अपॉन साइन x है तो भी क्या होता है वन होता है, मैंने बता रखा है पार्ट फर्स्ट के अंदर, tan x अपॉन x वन होता है, x अपॉन tan x वन होता है, साइन इनवर्स x अपॉन d वन होता है। तो फाइनली अपने पास आ गया k स्क्वायर अपॉन 2, क्या क्या k स्क्वायर अपॉन 2, तो वापस से समझा देता हूँ क्या किया। सबसे पहले 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला यूज किया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर kh बाय 2, नीचे चल रहा है sin h, उसको स्क्वायर को दो बार लिख दिया। अब बैलेंस कर रहा हूँ गाड़ी को, तो के एच अपॉन टू है, तो यहाँ भी के एच अपॉन टू लिख दिया, बैलेंस करने के लिए के एच अपॉन टू लिख दिया, यहाँ के एच अपॉन टू है, के एच अपॉन टू, यहाँ भी बैलेंस करने के लिए के एच अपॉन टू लिख दिया, ये पूरी पार्टी वन हो गई। यहाँ पे टू से टू कैंसिल कर दिया, एक एच से एक एच कैंसिल, अपॉन वाला हो गया, ऊपर के एच के दिख गया, के एच के दिख गया, ये टू साइन एच से मल्टीपल हो गया, टू साइन एच, एच साइन एच भी वन होता है, तो के स्क्वायर अपॉन टू रह गया। और अपन जानते हैं कि फंक्शन जो है वो कैसा है, कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, जीरो पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब एफ जीरो की वैल्यू आर एस एल की इक्वल होगी, तो एफ जीरो इक्वल्स टू आर एस एल, एफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है वन अपॉन टू, आर एस एल क्या आ रहा है के स्क्वायर अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, फाइनली के स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो के इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस वन, ये अपने आंसर आ गए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, के इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स डिवाइड में पाई माइनस टू एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। क्वेश्चन में के लिए लिखा हुआ है कि एक्स इक्वल टू जो पाई बाई टू है उस पर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो के की वैल्यू फाइंड करो। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला काम अब फेमिलियर हो गए होंगे आप, सबसे पहला काम पाई बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो पाई बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू थ्री हो गई, ये अपने पास स्टेप हो गए। सेकेंड स्टेप में अपन क्या निकालते हैं, आर एच एल, आर एच एल का मतलब जो भी पॉइंट गिवन होगा उससे ग्रेटर है ना, तो पॉइंट कौन है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से ग्रेटर मतलब पाई बाई टू प्लस, और मतलब हो गया सर पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है। लिमिट एस एंस टू जीरो यूज करते ही अपन जब भी आर एच एल यूज करेंगे, क्या करना है आपको, जहां पे एक्स है ना वहां पे क्या पुट करना है पाई बाई टू प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करना है पाई बाई टू प्लस एच, अपॉन में आ गया अपने पास पाई माइनस टू पाई बाई टू प्लस एच। सबसे पहला काम होता है लिमिट पुट करना, जहां एच है वहां पे जीरो पुट किया, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है सर, तो जीरो ऊपर तो जीरो हो गया, क्योंकि जीरो मल्टीपल कुछ भी जीरो। यहां देखो आप टू से टू कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई जीरो हो गया, एच की वैल्यू जीरो पुट करते हैं जीरो हो गया, तो कौन सी फॉर्म आ रही है इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म से आप क्या करोगे, बचाव करोगे, और उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, तो आप यूज करें। सीधा सीधा कॉस 90 प्लस थीटा, कितने बच्चों को कॉस 90 प्लस थीटा ही नहीं आ रहा अभी तक, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और कॉस भाई साहब कैसे होते हैं इसमें नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एच, और कॉस चेंज भी होगा, चलो माइनस साइन एच आएगा, माइनस यहाँ लिख देता हूँ, साइन एच यहाँ लिख देता हूँ, क्लिक कर गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से टू कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये दोनों पार्टी मल्टीपल होके क्या देगी माइनस के टू, भाई टू दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना माइनस के टू एच, तो फाइनली माइनस के टू एच रह गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इसमें तो बिना मेहनत के साइन एच अपॉन एच क्या हो गया वन हो गया, तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है के अपॉन टू। और फंक्शन जो है एड एक्स प्लस टू जीरो पे कंटिन्यूस है, और अगर दुनिया के अंदर ये कंटिन्यूस है तो सब चीजें इक्वल होगी, इसका मतलब एफ पाई बाई टू किसके इक्वल होगा आर एच एल, और एफ पाई टू की वैल्यू कितनी है थ्री, आर एच एल की वैल्यू कितनी है के अपॉन टू, तो जिस दिन मैं टू को क्रॉस मल्टीपल करूंगा के इक्वल्स टू आ गया सिक्स, तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा सिक्स हो गया, राइट है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आरबीएससी सीबीएसई में पूछा हुआ है, मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स मतलब एक्स लेस देन जीरो है, सी एक्स इक्वल्स टू जीरो है, ये वाली पार्टी जीरो से ग्रेटर है,
खुद ही कह रहा है बेचारा कंटिन्यूस है और जीरो पे है और एबीसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, टाइप से गिनने क्लिक कर जाएगा। सबसे पहला काम स्टेप पर शुरू करते हैं, जीरो पर वैल्यू जो देखती है वो सी है, ठीक है सी लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है। स्टेप सेकंड, जीरो से ग्रेटर ले लेते हैं, जीरो से ग्रेटर वाले भाई साहब अपने पास में ये रहे, कौन से रहे, ये रहे, ठीक है। और जीरो से ग्रेटर का मतलब हो गया जीरो प्लस एच, आर एच निकाल रहे हैं अपने ना, लिमिट यूज करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, जहां जहां पे एक्स है ना वहां पे एच आ गया, क्योंकि जीरो में एच ऐड करने का मतलब एच ही होता है, बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच बी एच की पावर थ्री अपॉन टू, राइट है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कहानियां होती है जहां बच्चा नॉन स्टॉप गलती करने का चांसेस रहता है, बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं इसको अलग अलग लिख देते हैं, रूट एच प्लस रूट बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच, और रूट एच से रूट एच उड़ा देते हैं, तो सबसे खतरनाक मिस्टेक तो ये हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर अच्छा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब एच की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी पार्टी जीरो, ये जीरो, ऊपर जीरो आ जाए दुगनी देता, नीचे जीरो आने पर बहुत दुख होता है, ये दुख वाली कहानी है, और इस दुख वाली कहानी से इसका इलाज पॉसिबल है ना, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म में इसका इलाज पॉसिबल है, तो इसका इलाज आपको करना पड़ेगा। अब कैसे करना है, रूट एच कॉमन ले लो, देखो सब जगह से रूट एच कॉमन आ रहा है, तो रूट एच कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या रहेगा, यहां पे रहने वाला वन, यहां पे एक एच कॉमन ले लिया तो बी एच, क्लिक करिए वन बी एच, ऐसा नहीं रूट एच कॉमन लिया तो बेचारा रूट ही गायब हो गया, भाई जिंदा एच तो वन तो आने वाला है, यहां से एच रह गया और यहां पे क्या रह गया माइनस में रह गया, पूरी पार्टी में से रूट एच कॉमन लिया था, यहां पे आ गया बी एच की पावर थ्री अपॉन टू, राइट है। चलो एच की पावर वन अपॉन टू है, तो वन अपॉन टू से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर भी एक वन अपॉन टू जिंदा रहेगा क्या, एक एच जिंदा रहेगा। चलो आगे चलते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इन दोनों से कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि रूट इसको अपन लिख सकते हैं रूट एच और एच, सोच के देखो इसकी पावर वन इसकी पावर वन अपॉन टू, तो फाइनली रूट एच से रूट एच कैंसिल हो गया, फिर भी एक एच जिंदा है मिला के नीचे, ऊपर देखो आप वन प्लस बी एच, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस बी एच की पावर वन अपॉन टू, आगे माइनस वन, नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है अपने पास बी एच, रूट एच से तो रूट एच कैंसिल हो गया, अभी भी एच जिंदा है, अभी भी अगर मैं एच की जगह जीरो पुट करूंगा तो वही इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है जीरो पॉइंट जीरो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम यूज किया, कौन सी थ्योरम यूज किया, बीटी बाइनोमियल थ्योरम सबको पता है, तो यहाँ पे आ गया अपने पास वन, ये दोनों आपस में मल्टीपल होगा तो बी एच अपॉन टू, इतना भी आता हो ना वन प्लस एन एक्स, याद है वन प्लस एक्स एन की पावर एन, बचपन में पड़ा होगा वन प्लस एन एक्स, तो वन प्लस बी एच अपॉन टू, और आगे भले ही नहीं आता हो लेकिन डेड डेस करके छोड़ सकते हो, आगे क्या चल रहा है माइनस वन अपॉन में क्या चल रहा है बी एच, वन से वन कैंसिल हो गया भाई, फिर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब आगे अपने पास बी एच अपॉन टू तो ये और अपॉन में बी एच ये, बी एच से बी एच कैंसिल हो गया, फाइनली अपने पास आ गया वन अपॉन टू, तो आर एच एल की वैल्यू क्या आ रही है वन अपॉन टू, तो सी की वैल्यू चमक गई। लेकिन आपसे तीन बातें पूछ रहा है, सी थोड़ी पूछ रहा है आपसे, ए बी भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए बी भी, तो यहां से ये जरूर है कि इसका और इसका कंपेयर करेंगे अपन, तो सी की वैल्यू फाइनली क्या आ गई मेरे पास वन अपॉन टू, एक आंसर आ गया। तो यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई, वापस से दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, जीरो से ग्रेटर का मतलब आर एच एल हो गया, जहां जहां एक्स है वहां पे एच पुट किया, इसमें बहुत सारे बच्चे इसको यूं लिख लेते हैं रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर, तो ऐसा नहीं करना, समझदार बच्चे सबके साथ रूट एच कॉमन ले लिया, वन प्लस बी एच आ गया माइनस वन आ गया, एच की पावर थ्री अपॉन टू थी तो एक एच जिंदा है अभी भी, फिर यहाँ पहुंच गए लिमिट पुट करने पर वापस फिर जीरो पॉइंट जीरो आ रही थी, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया, वन प्लस एन एक्स आगे डेड डेड एस माइनस वन से कैंसिल हो गया, फाइनल वन अपॉन टू आ गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन टू, अभी भी ए और बी जिंदा है तो एल एच एल भी निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में अपन एल एच एल भी निकाल रहे हैं, स्टेप थर्ड
LHL यूज कर लेता हूँ, LHL, LHL मतलब जो भी पॉइंट गिवन है ना उससे छोटा बता रहा, जीरो माइनस है, LHL कौन है, ऊपर ऊपर वाली पार्टी LHL है, जीरो से लेते हैं, लिमिट एसेंस टू जीरो, जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एच आएगा, ए प्लस वन, एक्स की जगह माइनस एच पुट करेंगे, माइनस एच माइनस साइन माइनस एच, उम्मीद है यहां से यहां माइनस का यहां पे आ गया, क्लिक कर गया क्या, या अभी लिख देता हूँ, कुछ और आ रहा हो तुम्हारे दिमाग में, अपॉन में माइनस एच, यहां तक पहुंच गए, ये वाले माइनस यहां पे शिफ्ट हो गया, ये वाला माइनस यहां, दोनों का माइनस यहां, माइनस से माइनस कर दिया, प्रॉब्लम क्या है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो 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 अपॉन जीरो आ रहा है, बचाना है, अलग अलग डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया साइन ए प्लस वन एच, इसके डिवाइड में भी एच और इसके डिवाइड में भी एच, सर यहाँ का माइनस कहाँ गया, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, पता चले वाइन वन माइनस वन जीरो कर दो, तो ये तो सीधा सीधा चमक गया, वन हो गया, इसको चमकाने के लिए यहाँ पे ए प्लस वन है इसका पड़ोसी, तो यहाँ ए प्लस वन लिखा, बैलेंस करने की हैबिट डाल दो ए प्लस वन, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह क्वेश्चनों में काम में आ रहा है, ये भी क्या हो गया वन, तो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है इसका, ए प्लस वन, तो एल एच एल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए प्लस वन, और सी की वैल्यू मतलब अपना पॉइंट है उस पर वैल्यू सी आ रही है, और जो अपना आर एच एल है उसकी वैल्यू आ रही थी वन अपॉन टू, आर एच एल की वैल्यू क्या आ रही है, ये रही वन अपॉन टू, अब आपको क्या चाहिए कंपेयर कर लेते हैं, किस किस का करें, एल एच एल और आर एच एल का कर लो, क्यों कर रहे हैं सर कंपेयर, क्योंकि कंटिन्यूस है भाई सब बराबर है, एल एच एल की वैल्यू अभी निकाली है ए प्लस वन आई है, आर एच एल पहले निकाल चुके हैं वन अपॉन टू थी, ये हो गया वन अपॉन टू माइनस वन, माइनस के वन अपॉन टू आई कर गया कि क्लिक, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन टू, सी की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू, बी भाई साहब निकले नहीं, तो बी क्या होगा, बी कुछ भी हो सकता है, तो अपन ने ले लिया बी बिलोंग्स टू आर, ये तीनों आंसर हो गए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया, क्लिक करें, तो ये टाइप सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पहले से बोल देता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है और आपसे दुनिया भर, यहाँ पे देखो एक अपन ने ए प्लस वन ही लिख दिया, बट ए प्लस वन तो इसका भी था, ये प्लस वन भी है, तो ए प्लस वन के आगे प्लस वन भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये मिस्टेक होगी थोड़ी बहुत, तो ए प्लस टू आएगा भैया ना, कुल मिला के मैंने ये प्लस वन कुछ ज्यादा एक्साइट हो गया तो प्लस वन भूल गया, तो ए प्लस टू क्लिक कर रहा होगा आपके, तो कोई बात नहीं यहाँ पे ए प्लस टू आ जाएगा, आपकी बार यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस के थ्री अपॉन टू, तो ए की वैल्यू माइनस थ्री अपॉन टू है, सी की वैल्यू वन अपॉन टू है, और बी कुछ भी मिला नहीं तो बिलोंग्स टू आर, मतलब कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, के एक्स इक्वल्स टू जीरो, वही टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, के दिख रहा है इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कंटिन्यूस, हालांकि दे रखा होगा सब जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन जो है वो सतत है कंटिन्यूस है, तो के की वैल्यू बताएं, तो सबसे पहले वही फर्स्ट स्टेप, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू के है, मतलब आपको केवल आर एच एल से निकालना आपका काम बन जाएगा, तो लिमिट एसेंस टू जीरो, क्योंकि वही पॉइंट फिक्स याद हो गया होगा जीरो प्लस और जीरो प्लस है, जहाँ एक्स है वहाँ पे एच पुट करना है, फिर जाएगा लॉग वन प्लस ए एच माइनस लॉग वन माइनस बी एच, अपॉन में एच चल रहा है, इसके अपॉन में भी एच है, इसके अपॉन में भी एच, लिख देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पुट किया एच की वैल्यू जीरो, लॉग वन जीरो होता है और अपॉन में भी जीरो, तो ये हो गया जीरो अपॉन जीरो फॉर्म मिल रही है, सेम स्टोरी उधर है, जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म का इलाज पॉसिबल है, कोरोना का अभी तक मिल नहीं रहा है वैसे, लेकिन इसका तो जिसका अच्छी प्रैक्टिस है उसको पता है कि लिमिट एक्सेंस टू जीरो, भले ही लॉग वन प्लस एक्स हो और जैसा एक्स यहाँ हो वैसा एक्स हाँ हो तो वन होता है, देखो ये बहुत सारे फंक्शन हैं जो वन होते हैं, अभी बताया आपको साइन बेचारा फेवरेट अपना, यहाँ यहाँ कई बार क्वेश्चन में यूज हुआ, इसका पड़ोसी जो भी है वो भी पड़ोसी बना के वन कर दो, जरूरी नहीं है ऐसा ही दिखे, एक्स अपॉन साइन एक्स भी क्या होगा आपका वन होगा, टेन एक्स अपॉन एक्स भी क्या होगा वन होगा, एक्स अपॉन टेन एक्स भी क्या होगा वन होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी क्या होगा वन होगा, एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स भी क्या होगा वन होगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी क्या होगा वन होगा, एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स भी क्या होगा, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स भी क्या होगा वन होगा, इतनी सारी पार्टियां वन के इक्वल होती है, सबको एक साथ लिख लें आप, तो लिमिट एसेंस टू जीरो,
अब वही यहाँ एच, यहाँ एच, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, एच का जो पड़ोसी है ना उसको यहाँ लिख देंगे सर मर्जी से। हाँ बैलेंस तो करेंगे ना, और इधर इधर आ गया वन माइनस बी एच, और अपॉन में कौन है एच, पड़ोसी कौन है माइनस बी, यहाँ माइनस बी लिखा तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, माइनस बी लिखना पड़ेगा। ऐसा करने से इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई वन। अच्छा तो सर अब क्या रह गया, ये तो वन हो गया, ए रह गया भाई, उधर क्या रह गया माइनस, माइनस प्लस कर दी पूरी पार्टी हो गई। अब क्या करेंगे, फंक्शन जो है वो जीरो पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो के की बहुत ही खूबसूरत वैल्यू आ गई ए प्लस की, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो ये स्टोरी थी अपनी कंटिन्यूटी के टाइप फर्स्ट और सेकेंड की, और देखेंगे अपन। तो मैंने ये जो काम काम की बातें बताई आपको कि फंक्शन कहाँ कहाँ वन होता है, उसको मैं एक बार नोट करवा देता हूँ कुछ ज़्यादा ही अगर आपको लगे, क्योंकि ये बहुत काम में आ रही है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 x आप लिख लेते हैं, साइन x अपॉन x 1 होता है, जरूरी है दोनों एक जैसे दिखे, बनाना चाहिए। x साइन x भी क्या होगा 1 होगा, और ये तो स्टोरी होगी साइन इनवर्स x अपॉन x भी 1 होगा, x साइन इनवर्स x भी 1 होगा, tan इनवर्स x अपॉन x भी 1 होगा, x अपॉन tan इनवर्स x भी 1 होगा, tan x अपॉन x भी 1 होगा, x अपॉन टेन एक्स भी 1 होगा, और अभी अपन ने देखा था log 1 प्लस x अपॉन x भी 1 होगा, log 1 माइनस x माइनस x भी 1 होगा, log log क्या e की पावर x माइनस 1 अपॉन x भी 1 होगा। तो सभी वैल्यूज की वैल्यू 1 होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इनको लिखें प्रैक्टिस करें। आज के लिए बहुत है, थैंक यू वेरी मच, सभी लर्नर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स।